गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को 3 लेसन में बता चुकी हूँ और 4 लेसन बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या पढ़ना है आप लोग को, यूज फॉर दिस इज दैट इज, मतलब दिस और दैट दैट का प्रयोग करना है। यहाँ दिस मीन्स क्या होता है यह, और दैट मीन्स वह। यहाँ देखिए दिस इज ए टेलीफोन, इसका हिंदी क्या होता है, दिस इज ए टेलीफोन, यह एक टेलीफोन है ना। दैट इज ए सीप, वह एक सिप है, जहाज है। सिप मीन्स क्या होता है, जहाज। दिस इज ए टेबल, यह एक टेबल है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दैट इज ए गोट, गोट गोट मीन्स क्या होता है, बकरी। तो यह क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए गोट, वह एक बकरी है। दिस इज ए पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। दिस इज ए पिकॉक, यह एक मोर है। दैट इज ए जेब्रा, यह एक जेब्रा है। दिस इज ए काइट, यह एक पतंग है। दैट इज ए क्वीन, यह वह एक रानी है। दैट इज ए क्वीन, वह एक रानी है। इसी तरह आप लोग पढ़िएगा इसको और समझिएगा। और देखिए फिर यहाँ एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दैट, रिक्त स्थान में दिस या दैट भरना है इसमें। तो आप लोग समझ चुके होंगे तो इसको भर लीजिए। जैसे कैसे भराएगा देखिए बता रहे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैश इज एंड ऑरेंज। तो यहाँ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, दिस का, है ना। अब देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस डैश इज ए बॉक्स, चित्र के अनुसार भरना है इसको। चित्र को देखिए और उस अनुसार इसको भरिए। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज ए बॉक्स, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ डैश इज ए बॉक्स, यहाँ हम लोग को क्या भरना है, दैट दैट इज ए बॉक्स। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको भरिएगा।